स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट द क्लाइमेट सीजन एंड वेदर एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द टाइप्स ऑफ सीजन सो स्टूडेंट्स देर आर फाइव सीजन्स इन इंडिया समर सीजन मॉनसून सीजन ऑटम सीजन विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन सो लेट स्टार्ट फ्रॉम समर सीजन Summer season is hot season. It lasts from April to June. Everybody knows this ki summer season is a hot season. And it lasts from April to June. The northern part of India becomes hotter than the southern part. In this season, northern part of India becomes hotter than southern part. Is season mein northern part jo hai India ka wo southern part se zyada garm hota hai. This is because the southern part gets cool breeze from the sea. क्योंकि इस समय में इस सीजन में southern part को sea से बहुत ही cool breeze, ठंडी ठंडी हवाएं उस parts को मिलती हैं, इसलिए वो part ठंडा रहता है और northern part गर्म रहता है. In summer, the days are longer than the night. कहता है कि summer season में रातें जो होती हैं वो लंबी होती हैं. दिन लंबा होता है और रात क्या होता है छोटा होता है. When it become too hot, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है. Schools close for summer vacation, people wear light cotton clothes and visit hill stations as they are cooler. In summer, people enjoy eating mangoes, lychee, watermelons and cucumbers. Everybody knows that in summer season, days are longer and night are shorter. And it becomes too hot और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है. मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. स्कूल्स बंद हो जाते हैं. समर वेकेशन हो जाते हैं फॉर वन मंथ. लोग हल्के फुल्के कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ठंडी जगहों पे जैसे हिल स्टेशन वगैरह जाना पसंद करते हैं. और गर्मी में गर्मी के फल लोग खूब इंजॉय करते हैं. उसमें है मैंगो लीची वाटरमेलन एंड ककम्बर. तो हमने समर सीजन के बारे में पढ़ा कि समर सीजन बहुत गर्म होता है. ये अप्रैल से जून तक रहता है और इस सीजन में हम लोग हल्के फुल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और गर्मी के फल खाना पसंद करते हैं. नाउ सेकंड इज मॉनसून सीजन. दिस इज द सीजन व्हेन मॉनसून विंड ब्लो ब्रिंग रेन. कहता है कि ये वो सीजन है जिसमें मॉनसून की हवाएं चलती हैं और अपने साथ बारिश को लाती हैं. द रेनी और मॉनसून सीजन लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. ये सीजन जुलाई से शुरू होकर सितंबर में खत्म हो जाता है. सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो गेट रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. साउथ इंडिया का कुछ पार्ट जो है वो अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश को वहां बारिश होती है उन जगहों पे. ड्यूरिंग दिस सीजन इट रेन्स हैवली. पीपल वियर रेन कोट्स and use umbrella when they go out. During this season, everybody knows there is a heavy rainfall, so protect themselves, they wear raincoats and umbrellas when they go out. The rain is welcomed by farmers as it helps them to grow crops, but sometimes heavy rain causes flood in some parts of the country. कहते हैं कि rainy season को किसान लोग तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं क्योंकि बारिश की वजह से उनकी फसलें हो पाती हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हेवी रेनफॉल के कारण कुछ पार्ट्स में इंडिया के कुछ पार्ट्स में फ्लड्स भी आ जाते हैं, बाढ़ भी आ जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है. दिस इज सिचुएशन व्हेन टू मच रेन मेक्स रेन ओवरफ्लो विथ वाटर एंड मेनी एरियाज गेट कवर्ड अंडर वाटर. कहता है कि ऐसा इस सिचुएशन में नदियां जो हैं उनका पानी ओवरफ्लो होने लगता है भारी बारिश की वजह से और बहुत सारे एरिया वाटर से कवर हो जाते हैं फ्लड की वजह से. हाउएवर इफ द रेन डू नॉट अराइव ऑन टाइम लैंड मे बिकम ड्राई एंड बैरन सच अ कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट. कभी कभी क्या होता है कि समय से बारिश नहीं होने की वजह से हमारी जो जमीन है वो सूखी रह जाती है, खाली बंजर हो जाती है. उस कंडीशन को उस सिचुएशन को हम लोग ड्रॉट सूखा कहते हैं कि उस साल सूखा पड़ जाता है जब बारिश नहीं होती है. तो
नेक्स्ट इज ऑटम सीजन, थर्ड सीजन इज ऑटम सीजन। दिस इज अ सीजन विथ प्लीजेंट वेदर एंड कंडीशन। ये सबसे ये जो है इस सीजन में वेदर बहुत प्लीजेंट होता है, वेदर कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है, लास्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। द वेदर इज इन दिस सीजन इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। इस सीजन ये सीजन अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक रहता है और इस वेदर में सीजन में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंड होती है। मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीजन। इस सीजन में अधिकतर पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं और स्प्रिंग सीजन में उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज विंटर सीजन। एवरीबॉडी नो अबाउट विंटर सीजन। विंटर इज द कोल्ड सीजन। विंटर एक ठंड का सीजन होता है। नवंबर टू फरवरी आर द विंटर मंथ। नवंबर से लेकर फरवरी तक ठंड का महीना होता है। ड्यूरिंग दीज मंथ डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स देन नाइट। कहता है कि इस सीजन के दौरान दिन जो होते हैं रात के मुकाबले छोटे होते हैं। पीपल वियर वार्म वूलन क्लोथ। दे लाइक टू ड्रिंक हॉट बीवरेजेस सच एज टी एंड कॉफी। दे ऑल्सो लाइक टू सिट द फायर एंड ईट ग्राउंड नट्स। कहता है कि इस मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, स्वेटर जैकेट कैप ग्लव्स वगैरह पहनते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। आग के सामने बैठना पसंद करते हैं, गर्म चीजें जैसे टी कॉफी पीना पसंद करते हैं। विंटर इज कोल्डर देन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया देन इन द साउदर्न पार्ट। कहता है कि विंटर में नॉर्दर्न पार्ट जो होता है वो साउदर्न पार्ट से ज्यादा ठंडा होता है। इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इट स्नो। इंडिया के कुछ पार्ट में क्या होता है, नॉर्थ पार्ट में स्नोफॉल भी होने लगता है। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। इन स्प्रिंग द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट। इस स्प्रिंग सीजन में वेदर बहुत सुहावना होता है। इट इज नाइदर नो हॉट नॉर कोल्ड। इसमें ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। मार्च एंड अप्रैल आर स्प्रिंग मंथ। मार्च और अप्रैल का महीना स्प्रिंग का महीना होता है। इट इज द सीजन फॉर सोइंग क्रॉप्स। इस सीजन में किसान क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स लगाते हैं। इन स्प्रिंग नेचर इज एज इट्स बेस्ट विथ फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड ट्रीज ग्रोइंग न्यू लीव्स। स्प्रिंग सीजन में नेचर अपना सबसे बेस्ट देता है जिसमें कि हर तरह के फूल खिलते हैं, पेड़ों में नए पत्ते आते हैं और मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो इस सीजन को, स्प्रिंग सीजन को हम लोग किंग ऑफ सीजन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कम्प्लीट। एवरीबडी नोज देर आर 5 सीजन इन इंडिया, समर सीजन, मानसून सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। सो एंड पेज नंबर 29, सम वर्ड बैंक्स आर हियर। This is your homework to learn these word banks. So student, stay safe, stay home. Thank you.